इसी बीच एक बड़ी खबर और बता दूं मैं, 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 48 नए मामले सामने आ गए हैं। 17 राज्यों तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। 268 लोग देश में अभी तक ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अभी इनमें से एक्टिव केसेस 268 नहीं है। इसमें से कुछ मामले हैं जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 65 केस पाए गए। 57 ओमिक्रॉन केस के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर। तेलंगाना में ओमिक्रॉन विस्फोट, 14 नए मामले वहां आए। उत्तराखंड, हरियाणा में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये लगातार बढ़ रहा है। और अगर यहां पर आर नॉट वैल्यू की बात करें तो नीतू मैम, आर नॉट वैल्यू इसकी डेल्टा से ज्यादा बताई जा रही है, यानी ये ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। 8 से 15 के बीच में है। डेल्टा की आर नॉट वैल्यू 2 to 2.5 के बीच में थी, तो इसकी आर नॉट वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए तेजी से बढ़ेगा। मतलब एक इंसान बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर पाएगा, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये तेजी से बढ़ेगा। और जिस तरीके से आपने अभी दिखाया भी कि लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने की संभावना है। और जो लोग वैक्सीन जिनको नहीं लगी है उनके थ्रू और भी तेजी से बढ़ने की संभावना है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है दैट इट इज गोइंग टू वेरी, मतलब ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। नहीं तो आप इसको कैसे देखती हैं? कुछ सरकारों ने ये कहा है कि अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो आपको आने वाले समय में तनख्वाह नहीं मिलेगी, अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपको ट्रेन में, बस में, मॉल में, हॉस्पिटल में शायद एंट्री भी ना मिले। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, शायद थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन ये बात सही है कि हमें कोई तो एक मेजर्स लेने पड़ेंगे ये लोगों को बताने के लिए कि आपको वैक्सीन लगानी है। अभी भी लोग इस बात की ज्यादा चिंता करते हैं कि वैक्सीन लगाने से हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वो इस तरफ नहीं देखते हैं कि कोरोना से हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो ये ऐसा हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट प्रश्न पूछते हैं, और कभी कभी हम ये सोच के, ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको कि इतनी सारी समस्याएं हैं, उन्होंने वैक्सीन लगाई नहीं है, और वो पढ़े लिखे लोग होते हैं बहुत सारे उनमें से। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ये इंश्योर करने के लिए कि जब वैक्सीन हमारे पास है तो लोग उसे लगाएं। शुरू में वैक्सीनेशन सेंटर खाली रहते थे और लोग आते ही नहीं थे वैक्सीन लगाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपनी थिंकिंग के हिसाब से वैक्सीन लगवाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये सब बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें बस में जाने दिया जा रहा है। नहीं, और एक बात और भी तो है, वो केवल अपने लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहे, उनकी वजह से दूसरों को भी खतरा हो सकता है, और हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो वो बच जाएं, और जिससे उनको जिसको उनसे संक्रमण हो उसकी इम्यूनिटी अच्छी ना हो और वो उसकी जान खतरे में आ जाए, तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। कई प्रदेशों में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। भीड़ भाड़ वाले आयोजनों के लिए कई राज्यों में नियम लागू कर दिए गए हैं। अब तक 17 राज्यों तक फैल चुका है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। धीरे धीरे अब ज्यादा जगहों पर यह फैलता हुआ, एक के बाद एक राज्य और एक के बाद एक शहर में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंचता हुआ 17 राज्यों तक ओमिक्रॉन के फैलने का मतलब है कि बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। वैक्सीन हेजिटेंसी, ये बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त सरकार के सामने है। डॉक्टर नीलम, इसको आप कैसे बोलती हैं, क्या कहेंगी लोगों के लिए? और जैसा कि डॉक्टर नीतू ने कहा, वाकई अभी भी पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं तो मैं वैक्सीन क्यों लूं, और पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं, तो सरकार कैसे उन तक वैक्सीन पहुंचाए, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जिसने सिंगल डोज, और उससे भी बड़ा तबका है जिसने डबल दूसरी डोज नहीं लगवाई। ने बताया कि सरकार सोच रही है कि उनको पेमेंट और ये ट्रेन एंड बसेस का, उसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जर्मनी एंड और कंट्रीज में उन्होंने एक तरीके से लॉकडाउन पार्शल लगाया है, जिसका मतलब कि जो अनवैक्सीनेटेड है उनको लॉकडाउन है, जो वैक्सीनेटेड है वो बाहर जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो इंडिया ही नहीं, सारे विदेश में भी यही तरीका अपना रहे हैं कि उनको किसी तरीके से दूसरों को खतरा डालने के लिए रोकना है। जैसे आपने बड़ी खूबियत से बताया कि वो अपने आप तो बच गए लेकिन दूसरों को अपनी चपेट में ले लेंगे, तो बिल्कुल सर्टन स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेना चाहिए। जैसे दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो कल रिलीज किया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर से रिलेटेड मास गैदरिंग अलाउड नहीं है, आई थिंक दैट वॉज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड, ताकि अवेयरनेस इंक्रीज हो। जब तक अवेयरनेस नहीं समझ आएगी, क्योंकि सारी नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया में जनवरी फिफ्थ में थर्ड वेव आएगी, क्योंकि अगर आप देखें हमेशा जो वेव हमारी आई है यूके और यूएसए के बाद आई है। यूके में भी अभी लैक्स पर डे केसेस जा रहे हैं और यूएसए में सिर्फ न्यूयॉर्क में पर डे कह रहे हैं कि 4 लाख 4.5 लाख जा रहे हैं। तो
जो उनका एस्टिमेट से लैक्स में उनके केसेस जा रहे हैं, और उसी तरीके से उम्मीद है कि इंडिया में होगा। यस, सबको सीवियर नहीं होगा वो। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।